तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम रीट लेवल सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि लॉकडाउन से लेकर एग्ज़ाम जब भी होती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में जब भी होती है, उससे पहले हम यहाँ पे रीट के लेवल सेकंड का सोशल साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करेंगे। तो उसी में हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। यूनिट 4th, 5th, 6th और 7th हमने पढ़ ली है। यूनिट 8 हमारी शुरू हो गई है। 8 यूनिट 8 का नाम है दोस्तों संसाधन और विकास। संसाधन और विकास, सॉरी, यूनिट 7 का नाम है संसाधन विकास। यूनिट 8 का नाम है भारत का भूगोल एवं भारत का संसाधन जो है। उसमें हमने पहले दो चैप्टर बनाए हैं। दो चैप्टर में हमने पढ़ा है कि भारत की अवस्थिति, मतलब भारत कहाँ अवस्थित है, पड़ोसी देश कौन से, स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है। ये सिलेबस में देखो लिख नहीं रखा है, लेकिन ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में भारत और राजस्थान के अवस्थित से रिलेटेड आते ही हैं, इसलिए पहले मैंने वो कवर करवाया है। अब आज से हम शुरू करेंगे भू आकृतिक प्रदेश, जो ये पहला टॉपिक लिखा हुआ है, भू आकृतिक प्रदेश, ये वाला हम शुरू करेंगे। तो ये थोड़ा सा सबसे वाइड चैप्टर है ये शायद भारत के भूगोल का, और ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि क्वेश्चन इसमें से नेसेसरी आते ही हैं, है ना। तो इसका अध्ययन करेंगे, तो थोड़ा अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सिलेबस में जो जो दिया हुआ है उस हर एक टॉपिक का एक एक चैप्टर बनाते हुए अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज भारत के भूआकृतिक प्रदेश। भूआकृतिक प्रदेश दोस्तों होते क्या हैं कि मतलब हर देश को मतलब भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कुछ भागों में बांट दिया जाता है। कि देखो देश में कहीं से है ना, कहीं पे तो पर्वत होते हैं, कहीं पे मैदान होते हैं, कहीं पे ज़्यादा नदियाँ होती है, कहीं पे द्वीप होते हैं ना। उसी आधार पर अपने भारत को भी 5 भागों में बांटा गया, मतलब भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। कि हमारा जो उत्तरी भाग है, ये देखिए हमारा जो उत्तरी भाग है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसमें क्या है, हिमालय पर्वत विद्यमान है। यूँ 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 हिमालय पर्वत विद्यमान है। तो इसे क्या कहा गया है, इसे नाम दिया गया है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। क्योंकि एक तो उत्तर में स्थित है, दूसरे यहाँ पे पर्वत विद्यमान है, तो इसे क्या कहा गया है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और ये कितने परसेंट भाग में फैला हुआ है, ये 17.9% भाग पे फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आएगा प्रायद्वीपीय पठार, है ना। दूसरा जो हमारा भूआकृतिक प्रदेश है, देखो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि ये दोस्तों लावा से निर्मित है ना, और गोंडवाना लैंड का अंश माना जाता है ये, है ना। कि जो पहले हमारी पृथ्वी, ऐसे बोलते हैं, एक एक जैसे गोला था, और गोले के बीच में एक महाद्वीप है, मतलब एक पूरा स्थल है और इसके चारों ओर पानी है ना, ठीक है। तो इसको बोला गया था, ये जो स्थल भाग था, एक ही स्थल था, इसे बोला गया था पेंजिया, और ये जो महासागर था इसे बोला गया था पैंथालासा, ठीक है। अब क्या हुआ था, इस पेंजिया के धीरे धीरे विभाजन होने लगे और इससे ही सारे महाद्वीप बने, है ना। तो इस पेंजिया को दो भागों में विभाजित हुआ, तो जो दो भागों में विभाजित हुआ, उत्तरी भाग को बोला गया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को बोला गया गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो पर्वतीय पठार है, ये इसका अंश माना जाता है कि पहले ये इधर था, धीरे धीरे शक्तियों के द्वारा ऐसे विस्थापित होके इधर से, जैसे उत्तरी अमेरिका, ये जो यूरोप और एशिया बना है, तो हमारा भारत ऐसे नीचे से आया और ऐसे यहाँ पे स्थापित हो गया। तो इस तरह से जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का अंश माना जाता है। तो दूसरा भाग जो हमारा है, क्योंकि ये पठारी भाग है दोस्तों, इसलिए इसको एक अलग से भाग बना दिया। देखो ये पर्वतीय भाग है, इसे अलग बना दिया, ये पठार रूप में विद्यमान है, तो इसे पठारी भाग बना दिया। ये पठारी भाग कितने हिस्से पर फैला हुआ है, 48.9% भाग पर फैला हुआ है। इसके बाद में जो है वो है उत्तर के विशाल मैदान, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, जिसमें गंगा नदी और उसके सहायक नदियां यमुना, है ना, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी भी इसमें से, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी तो खैर इसमें तो नहीं आती, पर गंगा यमुना के जो सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। यहाँ पे क्या पाई जाती है, मैदानी भाग है ये अपने देश का, है ना। यहाँ पे मोस्टली मैदान ही स्थित है, यहाँ पे पर्वत वगैरह बहुत कम हैं तो भी बहुत नीचे है। तो इसे क्या दे दिया नाम, उत्तर के विशाल मैदान, ठीक है। ये कितने भाग पर फैला हुआ है, 22.5 भाग पर। फिर आ जाएगा दोस्तों तटीय मैदान। तो हमने देखा था कि आधा भारत तो हमारा स्थलीय सीमा है, और जो बाकी नीचे का बचा हुआ है वो क्या है, तटीय सीमा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे समुद्र है तीन ओर, है ना। भारत प्रायद्वीप है और प्रायद्वीप पे समुद्र होता है, प्रायद्वीप के तीन ओर, तो ये हमारे यहाँ तीन ओर समुद्र है। तो ये जो समुद्र में हमारा हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं, तटीय सीमा बोलते हैं। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार था, इसको हम जो ये किनारे हैं भारत के, इनको छोड़ते हैं, और इन
क्या कहते हैं इन किनारों को, कहते हैं तटीय मैदान, है ना, ये वाले किनारे, तो इसको नाम दे दिया गया है तटीय मैदान। इसके बाद में क्या बचा, तटीय मैदान 10.4 पे फैला हुआ है, और इसके बाद में बचा द्वीप समूह। तो इधर हमारे हैं लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव, और इधर हमारे हैं अंडमान निकोबार। तो जो भारत के क्षेत्राधिकार में जो द्वीप हैं उनको नाम दे दिया गया द्वीप समूह, जो लगभग 0.3% भाग पे फैला हुआ है। लगभग 247 द्वीप ऐसे हैं जो भारत के अधिकार में, उनका हम आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांट दिया गया है, समझ में आ गया होगा। पहला उत्तर का विशाल सॉरी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश 17.9% भाग पे फैला हुआ है। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, है ना, ये 48.9, सबसे बड़ा जो हमारा भौगोलिक प्रदेश है वो यही है ना। तो ये याद रखना है कि सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार, कितने परसेंट भाग में फैला हुआ, 48.9। इसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा 22.5 पे, फिर तटीय मैदान हो जाएंगे 10.4 पे, और बचे हुए छोटे मोटे जो द्वीप समूह हो जाएंगे वो होंगे 10.3 पे। तो आपको याद रखना है क्रम से थोड़ा सा, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर उत्तर का विशाल मैदान, फिर तटीय मैदान, और फिर द्वीप समूह, है ना। और ये भी याद रखना है कौन सा प्रदेश कितने परसेंट भाग में फैला हुआ है। कुछ नहीं है दोस्तों, 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, चाहे वीडियो को कर लो या फिर अपने से कॉपी में नोट्स बना के उन्हें रिवाइज कर लोगे, तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पहले आज यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, है ना। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कौन सा है, ये वाला जो जिसमें हिमालय आता है ना, उसे हमारे यहाँ पे सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय ही तो है इंडिया का, है ना। तो यही हमारा सबसे ऊंचा पर्वत है और भारत की मतलब जलवायु निर्धारण में भी बहुत ज़्यादा योगदान देता है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे, फिर धीरे धीरे हम 5 भागों का अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। तो देखो दोस्तों, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, हिमालय, ट्रांस हिमालय और उत्तर पूर्व के पहाड़ियाँ इसमें शामिल है। तो क्या क्या आएगा दोस्तों इसमें, देखो एक तो ऐसे हिमालय, हिमालय किसको बोल रहे हैं, जो यहाँ से यूँ फैला हुआ है और भारत के अंदर अंदर जो फैला हुआ है उसे तो हिमालय पर्वत बोल दिया, है ना, मतलब ये पहाड़ ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय बोल दिया, जो भारत, कुछ भाग तो भारत का और कुछ भाग नेपाल का, मतलब भारत से थोड़ी सी बाहरी तरफ जो फैला हुआ है इसे बोल देंगे ट्रांस हिमालय। ये ऊंचा ऊंचा जो भाग है ना हिमालय का सबसे ऊंचा, वो ट्रांस हिमालय में आएगा और इसका ज़्यादातर भाग नेपाल भूटान में है ना, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा उत्तर पूर्व पहाड़ियाँ, ऐसे करके हिमालय को, ये वाली जो यहाँ पहाड़ियाँ आएंगी असम, अरुणाचल, मेघालय, शिलोंग में, जैसे डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, है ना, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, ये उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों में आ जाएगी। तो ये पहाड़ियाँ ऐसे बोलते हैं, इन हिमालय के चट्टानों में, इनके चट्टानों में डिफरेंस है ना थोड़ा सा, इसलिए इनको अलग रखा है, हिमालय को अलग रखा है। और ट्रांस हिमालय थोड़ा सा इंडिया से बाहर हो जाता है, इसलिए ट्रांस हिमालय को अलग रख दिया। ऐसे करके उत्तरी पर्वतीय मैदान के भी 3 भाग कर दिए, है ना। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों 7 करोड़ वर्ष पूर्व, टर्शियरी युगीन पर्वतमाला। दोस्तों सबसे जो नवीन पर्वत है हमारे देश का वह हिमालय पर्वत है, 7 करोड़ वर्ष पूर्व। ऐसे तो अपन को तो बहुत समय लग रहा है कि जैसे बहुत पुराना है, लेकिन जो हमारे बाकी के भूभाग है उनमें मतलब दूसरे नंबर का है। सबसे नया तो हमारा ये वाला आएगा, जो विशाल मैदान है ना हमारे उत्तर के विशाल मैदान, सबसे नया भूआकृतिक प्रदेश तो ये है, दूसरे नंबर का हिमालय ही है। तो आपको बस इतना नहीं याद रखना, आपको इतना याद रखना है 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय का जन्म हुआ था, मतलब हिमालय बनना शुरू हुआ था, है ना। और टर्शियरी युग मतलब भूगोल में युगों में बांटा जाता है हर काल को, इस युग में ये पर्वत बने, इस युग में ये पर्वत बने, तो इस हिमालय जो बना था वो टर्शियरी काल था, ठीक है, इतना सा, क्योंकि बहुत बार पूछते हैं हिमालय की उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी, तो टर्शियरी युग में हुई थी। हिमालय इतना नया पर्वत है दोस्तों कि अभी भी मतलब ये पर्वत विकास कर रहा है, जब भी इसकी लंबाई नापी जाती है हमें कुछ इसकी लंबाई बढ़ी हुई मिलती है ना। तो हिमालय को कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, सिंधु नदी के मोड़ से एक तो ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, हम इस तरह भी बोल सकते हैं इसको कि दोस्तों यहाँ पे सिंधु नदी यहाँ को दर्रे से निकलती है और ऐसे भारत में प्रवेश करती है और ऐसे निकलती है, तो ये सिंधु नदी का मोड़ है ना। और ब्रह्मपुत्र नदी यूँ प्रवेश करती है और यूँ भारत में प्रवेश करके यूँ निकल जाती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ है, सॉरी ये सिंधु नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी और ये सिंधु नदी, तो सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ, या फिर हम इसे ये भी करते हैं कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ। देखो जो नंगा पर्वत है वो यहाँ पे है अपना, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, है ना, तो नंगा पर्वत से, और नामचा बरवा पर्वत यहाँ पे है इस सीमा पर, वो तिब्बत में है चाइना में। तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक फैला हुआ है, अथवा अपन ऐसा कह सकते हैं सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम की तरफ तो 2500 किलोमीटर दोस्तों, यूँ बोल सकते हैं हम कि
एक बार सारी चीज़ें देख लेते हैं। चौड़ाई है इसकी 160 से 400 और औसत ऊंचाई है 6000। देखो लंबाई पूर्व से पश्चिम का क्या मतलब हुआ, इधर से लेके इधर तक, मतलब ये वाली चीज़ तो बोलेंगे लंबाई और ये वाली चीज़ इसकी बोलेंगे दोस्तों चौड़ाई, है ना। तो लंबाई है इसकी 2500 किलोमीटर, चौड़ाई है 160 से 400 किलोमीटर, जो सॉरी जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, औसत ऊंचाई मानी जाती है। मतलब ऐसे नहीं है पर्टिकुलर जगह के सारे, मतलब कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है, तो औसत ऊंचाई इसकी कितनी है 6000 किलोमीटर। बहुत ऊंचा पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, ठीक है। तलवार की आकृति में ये फैला हुआ है, तो आप देख ही रहे होंगे तलवार की आकृति में ऐसे फैला हुआ है ये, तो ऐसी तलवार ही तो होती है ऐसी, है ना, तो ऐसे ही फैला हुआ है, जिसका ढाल भारत की ओर नतोदर है और इधर उन्नतोदर। देखो एक मिनट, तलवार की आकृति में फैला हुआ है, तिब्बत की ओर इसका ढाल नतोदर मतलब अवतल, और भारत की ओर उन्नतोदर मतलब तिब्बत की ओर। तो अवतल ढाल तो दोस्तों ये वाला होता है, तो इधर तिब्बत है तो ये अवतल ढाल, और अवतल ढाल का जो तीखा कोना होता है वो कौन सा होता है, उत्तर ढाल। तो ये वाला उत्तर ढाल हो गया, तो भारत की तरफ तो उत्तर हो गया और तिब्बत की तरफ अवतल ढाल हो गया हिमालय का। इसके अलावा हिमालय को 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है ना, हिमालय को 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया, कौन कौन सा, महान हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय। देखो मैंने कहा था ट्रांस हिमालय तो अलग आ जाएगा, है ना, जो हमारे हिमालय है उसको 3 भागों में बांट दिया गया। महान हिमालय यहाँ से शुरू हो रहा है दोस्तों, यहाँ से लेकर जैसे यहाँ तक, इधर तो फिर उत्तर पूर्व के पहाड़े आ जाएंगे, फिर महान हिमालय के बाद में जो ऐसे पहाड़ बने हुए इन्हें नाम दिया गया लघु हिमालय, फिर लघु हिमालय के जो बाद में बने उसे उप हिमालय। तो महान हिमालय हमारे सबसे ऊंचा हो जाएगा, फिर लघु हिमालय इससे थोड़ा कम ऊंचा है, जो हमने हमारे घूमने वाले स्थल है ना शिमला कुल्लू मनाली, लघु हिमालय भी है, और उप हिमालय इससे भी नीचा आधार पर, अवस्थिति के आधार पर इसे 3 भागों में बांट दिया हिमालय को। अब हम पढ़ते हैं, तो इतना समझ में आ गया कि हिमालय कब बना था, 7 करोड़ वर्ष पूर्व टर्शियरी युग में बना था, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र पर नंगा पर से नामचा बरवा पर्वत तक, और लंबाई इसकी है 2500 से 4600 और औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। बांट दिया। अब पता है एक एक की विशेषता, महान हिमालय के दोस्तों कई नाम है, महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, भारत अंदर है पूरी तरह से, मतलब अंदर भारत के सबसे पहला हिमालय यही आता है, तो इसे आंतरिक हिमालय बोल दिया। हिमाद्री और मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय मतलब भारत में ये आंतरिक हिमालय भारत के अंदर है, क्योंकि ट्रांस हिमालय यहाँ से तो अंदर है भारत के, यहाँ बाहर जाता है, ठीक है, इसलिए ट्रांस हिमालय भारत के अंदर नहीं है, आंतरिक हिमालय महान हिमालय को बोलते हैं। हिमालय के सर्वोच्च और ऊपरी पर्वत श्रेणी है ये, इसमें जो महान हिमालय है इसमें हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं ना वो महान हिमालय में ही पाए जाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 6100 मीटर। देखो नॉर्मल पूरे हिमालय के 6000 मीटर थी, पर इसकी कितनी है 6100 मीटर। लंबाई है इसकी 2500 मीटर और 24 मीटर, ठीक है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको याद नहीं रखनी है, जनरल नॉलेज के लिए बता दिया आपको, बस ये याद रखना है महान हिमालय कहाँ है, इसके पर्वत चोटियाँ मैं आपको बता दूंगी कि कौन से पर्वत चोटियाँ किस हिमालय में आती हैं, वो होती हैं इंपॉर्टेंट, और हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ इसी भाग में है। तो पहला भाग कौन सा हो गया, महान हिमालय, इसे ही आंतरिक और हिमाद्री हिमालय और मुख्य हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। अब कौन सा आएगा, लघु हिमालय, लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय बोल दिया, और मध्य हिमालय हिमाचल हिमालय इसलिए बोल दिया कि हिमाचल प्रदेश का ज़्यादातर भाग लघु हिमालय में ही आता है, मध्य हिमालय इसलिए बोल दिया कि महान हिमालय है ऊपर और उप हिमालय है नीचे, बीच में है लघु हिमालय, इसलिए इसे मध्य हिमालय बोल दिया। अब देखो महान हिमालय के समानांतर स्थित है, मतलब जहाँ महान हिमालय है देखिए इसके समानांतर स्थित है ना, बिल्कुल इसके नीचे नीचे स्थित है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 1800 से 3000 मीटर। देखो अब पहले वाले हिमालय की ऊंचाई कितनी थी महान हिमालय की, 6100 मीटर, और इसकी 1800 से 3000 उससे आधी हो गई ना, तो उससे बहुत कम ऊंचाई है। लंबाई उसकी जितनी है सेम 2500 मीटर और चौड़ाई है इसकी 80 से 100 मीटर, ठीक है। अब इस हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत, ये पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। पीर पंजाल तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में, और महाभारत जो है नेपाल में। देखो वो मैं आपको आगे दिखा दूंगी वैसे इनकी स्थिति सबकी, कि पीर पंजाल कहाँ स्थित है आपको ये याद रखना है, जम्मू कश्मीर में, और धौलाधर मसूरी का आपको पता ही होता है, धौलाधर घूमने जाते हैं, मसूरी घूमने जाते हैं, ठीक है, और एक महाभारत जो पर्वत श्रेणी है वो नेपाल में स्थित है। तो अगर ये पर्वत श्रेणी आपसे पूछते हैं तो ये कौन से हिमालय, ये महान हिमालय के भाग नहीं है, ये लघु हिमालय के भाग है, ठीक है।
अब दोस्तों मैंने बताया कि जो ये पर्वत इतना ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचा महाहिमालय है ना, तो कम ऊंचा है, तो कम ऊंचा क्या होता है फिर पर्यटन स्थल बन जाते हैं, वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी ठंडी सी होती है, हल्के हल्के से बर्फ गिरती रहती है ना, तो इसलिए भारत के जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान है वो सभी लघु हिमालय पर स्थित है। इनमें कौन से आएंगे, देखो हिमाचल प्रदेश में तो है शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, ये सारे स्थल लघु हिमालय के भाग है जो हिमाचल पे स्थित है। उनसे शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, और जो उत्तराखंड में है वो है मसूरी, ठीक है, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये सब जो वो मूवी नहीं थी दोस्तों राजा हिंदुस्तानी, उसमें दिखाते हैं ना ये वाले स्थान, रानीखेत की पर बनी हुई है वो मूवी सारी, तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग स्थान है वो भी लघु हिमालय का ही भाग है। अब लघु हिमालय में कोणधारी वन मिलते हैं दोस्तों, पर्वतों पर ऐसा होता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे कोणधारी वन मिलते जाते हैं, क्यों, क्योंकि कोणधारी वन ये होते हैं इस तरह वाले, इस तरह वाले, तो ऊपर क्या होती है बर्फ जमती है, तो इनके कोण के आकार में इनकी आकृति हो जाती है ताकि वो बर्फ डायरेक्ट ऐसे पिघल पिघल के आ जाए, वो पत्तियों को जलाए नहीं ना, डायरेक्ट मतलब सड़क के नीचे आ जाती है। तो जिस जैसे जैसे ऊंचाई में जाते हैं अपन, और तो वहाँ पे क्या मिलते हैं, कोणधारी वन मिलते हैं, लेकिन बहुत ऊपर जब चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे वन ही नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पे फिर वनस्पति का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके अलावा ढालों पर इसके घास के मैदान मिलते हैं जिन्हें कि कश्मीर में तो बोलते हैं मर्ग, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये कश्मीर में पाए जाते हैं दोस्तों, ये घास के मैदान होते हैं। आपको अगर कोई पूछे मर्ग क्या होते हैं तो वो घास के मैदान होते हैं, और उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल और पयार बोलते हैं, तो थोड़ा सा ये याद रख लेना। तो ये हो गई लघु हिमालय की बात हो गई, मध्य हिमालय बोलते हैं, हिमाचल हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय के समानांतर में स्थित है, और लंबाई चौड़ाई इतनी हो गई, और इसके बाद में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत श्रेणियाँ इसमें स्थित हैं, और इसके अलावा जो घूमने शिमला, कुल्लू, मनाली, अल्मोड़ा, रानीखेत सभी इसी में स्थित है। कोणधारी वन मिलते हैं और घास के मैदान मिलते हैं, घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, बुग्याल और पयार, ठीक है। अब सबसे नीचे वाला आ जाएगा दोस्तों, शिवालिक हिमालय, उप हिमालय या फिर बाह्य हिमालय, ये वाला जो हिमालय है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय या फिर उप हिमालय या फिर बाह्य हिमालय, मतलब हिमालय यहाँ से शुरू होता है तो ये हिमालय के बाहर की तरफ हो गया, इसलिए इसे बाह्य हिमालय में नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या विशेषताएँ हैं, ये दोनों श्रेणियों के दक्षिण में स्थित है तथा पंजाब के पोटवार से पूर्व में कोसी नदी तक फैला हुआ है। ये दोस्तों इतना ऊपर नहीं है ये हिमालय यहाँ से शुरू होता है, देखो पंजाब यहाँ से है, पंजाब यहाँ से है, तो पंजाब से, पंजाब के पोटवार से लेकर बिहार में कोसी नदी आती है, तो बिहार के कोसी नदी तक यहाँ से लेकर यहाँ तक यह फैला हुआ है। इसके अलावा इसके इस पर कुछ दूरी तक यह असंबद्ध है, इसके बाद में कुछ दूरी तक यह असंबद्ध है और पुनः फिर अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। फिर क्या होता है, ये कुछ दूरी तक फिर कोई पहाड़ी नहीं दिखती है ना, ऐसे तो पहाड़ बने हुए हैं, या देखो यहाँ से यहाँ तक तो पहाड़ बने हुए हैं, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक तो पहाड़ ऐसे बने हुए हैं, फिर क्या होता है कोसी नदी पे आगे ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर वापस जाके अरुणाचल प्रदेश में छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखने लगती है, फिर वो भी कि शिवालिक हिमालय का ही हिस्सा है। और शिवालिक हिमालय की लंबाई दोस्तों 2000 किलोमीटर है, क्योंकि देखो उन दोनों के 2500-2500 थी, इसकी 2000 क्यों है, क्योंकि ये बीच में से समाप्त हो जाता है फिर वापस से शुरू होता है, इसलिए चौड़ाई है 40 से 50 और ऊंचाई इसकी बहुत कम है, 1200 मीटर, ठीक है। शिवालिक हिमालय को जम्मू में तो जम्मू पहाड़ियाँ, अरुणाचल में डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, देखो जम्मू कश्मीर में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं नीचे की तरफ उन्हें क्या बोलते हैं, जम्मू पहाड़ियाँ, तो जम्मू पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है, शिवालिक हिमालय का। और अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, एक्चुअली ये यहाँ की जनजातियाँ हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के, है ना, और इन्हीं जनजातियों के जिस पहाड़ी में जो जनजाति स्थित है ना, उस जनजाति के नाम पर उस पहाड़ी को नाम दे दिया गया है, डफला पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिश्मी पहाड़ी, है ना, तो ये भी शिवालिक हिमालय का ही हिस्सा है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है, जब हिमालय टर्शियरी युग में पैदा हुआ था, तो मैं बार बार कह रही हूँ हिमालय खुद सबसे नवीन पर्वत है, लेकिन सारे हिमालय बनने के बाद लास्ट में शिवालिक हिमालय बना था, तो ये हिमालय का भी नवीन भाग है। इसे लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार, ये यूँ कह रहा है कि अब कुछ तो होगा ना जो कि उप हिमालय और लघु हिमालय में डिफरेंस कर रहा है, तो इन दोनों हिमालयों के बीच में घाटियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। इन घाटियों को पश्चिम में तो बोलते हैं दून, जैसे देहरादून, है ना, और पूर्व में बोलते हैं द्वार, जैसे कि हरिद्वार, ठीक है,
ये बात आप याद रख लेना कि ये दून और द्वार क्या होते हैं, लघु हिमालय को उप हिमालय से अलग करने वाले घाटियों के नाम ही है। अब पढ़ते हैं हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। सबसे ऊंची चोटी है हिमालय के माउंट एवरेस्ट, इसे गौरी शंकर भारत में बोलते हैं, सागरमाथा नेपाल में बोलते हैं और चोमोलुंगमा बोलते हैं तिब्बत में। या दोस्तों नेपाल में स्थित, आपको कोई पूछे माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है तो वो भारत में स्थित नहीं है, तो हिमालय की चोटी और हिमालय पर्वत भारत में है, लेकिन हिमालय सिर्फ भारत में ही नहीं है, हिमालय भारत में भी है, हिमालय नेपाल में भी है, हिमालय भूटान में भी है और हिमालय चाइना में भी है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट, इस वाले में देखो आप कि ये देखो हिमालय ऐसे फैला हुआ है ना, हिमालय ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गया भारत, लेकिन ये यहाँ से आ जाएगा नेपाल, ये यहाँ से आ जाएगा भूटान, है ना, और ये जो बाकी इधर इधर जो ऐसे ट्रांस हिमालय फैला हुआ है ये किस में आ जाएगा, तिब्बत में। तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा, ये चाइना का हिस्सा हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ कही गई है कि सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, यहाँ है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, ये देखो ये भी माउंट एवरेस्ट है ना, दिख गई होगी आपको ये माउंट एवरेस्ट, ये भारत और नेपाल की सीमा पर बनी हुई है और ज़्यादातर ये नेपाल में ही आते हैं, इसलिए नेपाल का ही हिस्सा माना गया है माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। इसके बाद में है कंचनजंगा। कंचनजंगा है भारत में स्थित है, कंचनजंगा देखो हिमालय की ऊंचाई तो है 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की, है ना, और कंचनजंगा की 8598 मीटर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो कहाँ की चोटी है, नेपाल की, है ना। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर कोई हमें पूछता है तो वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। लेकिन हमें कोई ऐसे पूछता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है कंचनजंगा, 8598 मीटर ऊंची है और यह भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। अब भारत में हिमालय की दूसरी चोटी है नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर, और तीसरी चोटी है दोस्तों नंदा देवी जो उत्तराखंड में स्थित है ना, और नामचा बरवा पर्वत कहाँ स्थित है, नामचा बरवा तिब्बत और चीन में स्थित है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये तो है नंगा पर्वत, है ना, ये है हमारी कंचनजंगा, सिक्किम में स्थित है हमारी कंचनजंगा 8598। देखो माउंट एवरेस्ट तो है 8848, ठीक है, और अपनी वाली है 8598, है ना। तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी तो ये हो गई, लेकिन हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी ये हो गई, अथवा यूँ कहें कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा स्थित है। इसके बाद में कौन सी है, नंगा पर्वत स्थित है जो जम्मू कश्मीर है, इसके बाद में नंदा देवी है ये वाली, देखो ये वाली वो उत्तराखंड में स्थित है। तो भारत में हिमालय की तीन सर्वोच्च चोटियाँ कौन सी हो गई, कंचनजंगा हो गई पहली, नंगा पर्वत दूसरी और नंदा देवी तीसरी। आपको सिर्फ कंचनजंगा की लंबाई याद रख लेनी है, 8000 ऊंचाई 8598 मीटर। इसके बाद में जो हिस्सा रह गया दूसरा नंबर का, ट्रांस हिमालय, है ना, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के भी उत्तर में स्थित है दोस्तों। ये महान हिमालय था तो मैं बार बार कह रही हूँ, जो भारत में सबसे ऊँचा भाग है यूँ और यूँ ऐसे, जो भारत के ज़्यादातर बाहर स्थित, इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ये कहाँ है, महान हिमालय के भी उत्तर में स्थित है, ठीक है। काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणियाँ स्थित है, लंबाई है 960, चौड़ाई है 40 से 225 और औसत ऊंचाई है दोस्तों इसकी 5700 मीटर, ठीक है। तो देखो ये कंचनजंगा, एक मिनट में आपको दिखाई देती हूँ, जो ट्रांस हिमालय है वो ऐसे जाते हैं दोस्तों, यूं तरह यूं जाता है ना। तो भारत का ये वाला हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय में आएगा। तो भारत में इसके कौन कौन सी श्रेणियाँ स्थित है ट्रांस हिमालय में, काराकोरम लद्दाख और जास्कर, ठीक है, ये तीन श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में स्थित है। और काराकोरम की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है देखो केटू, गोडविनास्टिन, गशेरब्रुम और मशेरब्रुम, है ना, केटू इसके सबसे ऊंची चोटी है। केटू की ऊंचाई दोस्तों होने को तो कंचनजंगा से भी ज़्यादा है ना, लेकिन केटू क्या है, इधर पाक अधिकृत कश्मीर में है, जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाक ने ले रखा है ना, पाकिस्तान ने, उसमें आती है, इसलिए हम इसे हिस्सा तो इंडिया का ही मानते हैं, हम पाक अधिकृत कश्मीर को देखो हम ये मैप बनाते हैं तो ये हमारा मानते हैं लोग, लेकिन क्या है कि मतलब वो पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, इसलिए हम मतलब इसको सर्वोच्च चोटी बताने की जगह किसको बताते हैं, कंचनजंगा को। लेकिन वास्तव में जो केटू है, गोडविनास्टिन जो काराकोरम दर्रे पे स्थित है, इसे मतलब केटू से ये कंचनजंगा से भी ऊंची चोटी है, देखिए आपको पता चलेगा। देखो महान हिमालय के उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय, काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ स्थित हैं, और काराकोरम के दोस्तों सर्वोच्च चोटी देखो ये लिखी हुई है केटू गोडविनास्टिन 8611 मीटर, वो तो कितनी थी 8598 कंचनजंगा, तो
लेकिन ये है 8611 और ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है ना। ये भारत की सर्वोच्च चोटी है और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कंचनजंगा की जगह केटू मिलता है, अगर कंचनजंगा भी है लेकिन केटू भी है, तो आप केटू ही करेंगे, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर उस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है, लेकिन अभी भी हम उसे अपना ही हिस्सा मानते हैं। लेकिन हमें अगर केटू ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर हम क्या कर देंगे, कंचनजंगा। जैसे कि आपको पूछे भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू, केटू का ही नाम है गॉडविन ऑस्टिन। अगर पूछे कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है हिमालय की, तो केटू, फिर दूसरा ऑप्शन हो कंचनजंगा, तीसरा नंदा देवी, तो आप क्या करेंगे, केटू करेंगे, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है और उसमें केटू नहीं हो, उसमें फिर होगा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, तो आप कौन सी करेंगे, फिर ये कंचनजंगा, है ना। अगर केटू ऑप्शन में हो तो केटू ही करनी है। और दूसरी चोटी है दोस्तों गशेरब्रुम, ये भी पाक अधिकृत कश्मीर में, और मशेरब्रुम, ये भी पाक अधिकृत कश्मीर में। तो ये हो गई चोटियाँ। फिर है उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ दोस्तों आपको नाम याद करना है। देखो, तो सबसे पहले पटकोई ब्रूम है, ये अरुणाचल और नागालैंड की सीमा पर स्थित है। पटकोई ब्रूम पहाड़ियाँ है, ठीक है, नागा पहाड़ियाँ नाम से पता चल जाएगा नागालैंड में। मिजो पहाड़ियाँ भी नाम से पता चल जाएगा मिजोरम में। बच्ची मिकिर पहाड़ियाँ, तो मिकिर पहाड़ियाँ अलग नाम हो गया, नाम से पता भी नहीं चल रहा, बाकियों का तो नाम से पता चल रहा है, तो मिकिर कहाँ हो जाएंगे, फिर असम में हो जाएंगी। डफला मिरी अबोर और मिशमी, ये नाम से ही आपको मतलब एक मतलब टोन में नाम आना चाहिए, जैसे मैं बोल रही हूँ डफला मिरी अबोर और मिशमी, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अराकान योमा जो है वो भारत और म्यांमार की सीमा पर, तो अराकान योमा तो नाम ही अलग सा लिख रहा है, तो अलग ही देश में होगी ना, तो म्यांमार में स्थित है। तो ये वाली पहाड़ियाँ है दोस्तों, देखो ये वाली, ये देखो पटकोई वाली तो है ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सीमा पर, फिर नागा पहाड़ी नागालैंड में, है ना, फिर मिजो पहाड़ी मिजोरम में स्थित होगी, है ना, अराकानियोमा इधर आ जाएगी भारत और म्यांमार की सीमा पर, ऐसे फैले हुई है अराकानियोमा, ठीक है। असम में आ जाएगी मिकिर पहाड़ी, डफला मिरिया बोरो और मिशमिका आ जाएगी अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ। इस तो तीन प्रदेश हो गए, पहले हिमालय पढ़ लिया, दूसरा ट्रांस हिमालय, तीसरा उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ। अब हिमालय में कुछ दर्रे हैं दोस्तों, इनका नाम याद रखना है। पूछते हैं कि ये नाम दे देंगे, जैसे काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है ना, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। देखो काराकोरम, जोजिला, पनिहाल, बनिहाल, पीरपंजाल, बुरजिल, पाँच दर्रे हैं, है ना। कोई ट्रिक तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आप जैसे बार बार जैसे मैं बोल रही हूँ उस तरह से बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। काराकोरम, जोजिला, बनिहाल, पीरपंजाल, बुरजिल। देखो एक काराकोरम आपको वैसे भी पता हो जाएगा कि काराकोरम बहुत ऊंची है और जम्मू कश्मीर में स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है, इतना पढ़ा दिया तो वैसे ही दिमाग में रह जाएगा। फिर भी अगर नहीं हो तो थोड़ा सा इनकी जैसे धुनी हो जाएगी। देखो काराकोरम, बनिहाल, पीरपंजाल, जोजिला, बुरजिल, सब में ले 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 आ रहा है लास्ट में, है ना। तो ये ले 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 वाले कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और बाकी काराकोरम में। तो ये पांच दर्रे जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है, अलग है, नाम भी अलग है, और सब में एक टोन में आ रहे हैं काराकोरम, जोजिला, बनिहाल, पीरपंजाल, बुरजिल, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा रोहतांग, बाड़ाला चाला, शिपकिला, ये तीन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आप इन्हें कैसे याद करोगे, थोड़ी सी इनकी एक हिंदी में ट्रिक बनाई हुई है मारवाड़ी में, रोहतास, बाड़े में जाके सेबला, है ना। तो रोहतास से रोहतांग, बाड़े से बाड़ाला चला, और सेबला मतलब शिपकिला, सेबला शिपकिला, है ना। अब दोस्तों सेब कहाँ मिलती है, हम सबको पता है बाड़े में मिलते हैं, और सेब कहाँ मिलते हैं, प्रदेश में ही मिलती है सेब, अपन सभी ऐसे होता है ना, किसी के रिश्तेदार हिमाचल में रहते हैं तो वहाँ से बहुत अच्छी सेब लेके आते हैं, तो इससे सेब लाइस से आपको याद रह जाएगा कि ये तीनों हिमाचल प्रदेश के। एंट्री क्या है, रोहतास बाड़े में जाके सेब ला, रोहतास बाड़े में जाके सेब ला, तो रोहतांग बाड़ाला चला शिपकिला, ये तीन हिमाचल प्रदेश के हो गए, क्लियर है। इसके बाद में हम आगे लेखन करते हैं सिक्किम। सिक्किम में दो है दोस्तों, नाथुला और जेलेबला, है ना। तो किससे करोगे, थोड़ी सी ट्रिक है, नाथू जा सिक्किम से जाके जलेबिला, है ना, इस तरह से याद कर सकते हो, नाथू सिक्किम से जाके जलेबिला, तो नाथुला सिक्किम से सिक्किम में स्थित है, और जलेबिला से मतलब जेलेबला। अब दोस्तों अब ऐसे अगर जो ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं उनको तो याद ही होंगे, जो विदाउट ज्योग्राफी के बच्चे हैं ना उनका थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि यार क्या नाम है, ये कैसे याद होंगे, इसलिए थोड़ी सी ट्रिक बता रही हूँ। मैंने भी इसी तरह से रटे हुए थे इसलिए बता रही हूँ, नाथू
सिक्किम से लाके जलेबी ला, ठीक है। तो ये हो गया, देखो पांच जम्मू कश्मीर के हो गए, सब ला 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 से स्टार्ट है ना। दो तीन हिमाचल प्रदेश के हो गए, इनमें से ही पूछते हैं दोस्तों, और ये सिक्किम के हो गए, ज़्यादातर क्वेश्चन तो इनमें से ही आ जाते हैं ना। इसके बाद में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अलग ही है, बोमाडेला, यांग्याप और दीफू, है ना। कम पूछते हैं ये तीनों ही, कम पूछते हैं, इतने नहीं पूछते। एक दीफू के लिए तो पूछ लिया जाता है कि दीफू कहाँ से, डिफरेंट सा नाम है ना, तो ये तीनों डिफरेंट नाम कहाँ है, अरुणाचल में है। तुजू, तुजू मणिपुर में है, तुजू वाला तो बहुत कम पूछा जाता है। थोड़ा सा उत्तराखंड वाला पूछ लेते हैं, तो उत्तराखंड की टोन याद हो जाएगी, माना नीति लिपुलेख थागाला, माना नीति लिपुलेख थागाला। इसमें भी माना और नीति ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो माना नीति कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। तो ये है दोस्तों दर्रे, बाकी पहाड़ियाँ हमने हिमालय पर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया, उसमें हमने हिमालय, ट्रांस हिमालय, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ पढ़ ली। मैं बना के जितना मेरे से हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है कि, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, मैं वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।